द्वारा जनपद में चलाए जा रहे सिटी बस को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। पशु तस्करी में शामिल गैंग लीडर जफरुद्दीन सहित 7 अभियुक्तों के ऊपर चिल्वाताल थाने के पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया। पंजीकृत एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। एक लाख से कम सालाना आय वाले गरीब व्यक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति, बेगार के शिकार व्यक्ति, महिला, बच्चे, विकलांग, शहीद सैनिकों के आश्रितों, मानसिक चिकित्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति, किशोर अपराधी, बंदियों को सक्षम न्यायालय उच्च न्यायालय में प्राधिकरण के द्वारा प्रदान की जाती है निःशुल्क विधिक सहायता। मुकदमे में व्यक्तियों के लिए अधिवक्ता की फीस, कोर्ट फीस, सभी तरह की फीस विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है वहन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। मौसम में बदलाव एवं घने कोहरे को देखते हुए रेल प्रशासन अपने यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए है कृत संकल्पित। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस तथा दृश्यता जांच के साथ कोहरे के पूर्व एवं कोहरे के दौरान सुरक्षित एवं सहज परिचालन सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। मूर्ति विसर्जन के दौरान 26 अक्टूबर को ग्राम डांगी पार में युवक की हत्या के आरोप में वांछित 2 अभियुक्तों अंशु निषाद एवं माखन उर्फ उपेंद्र निषाद को कोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में एमएसआई इंटर कॉलेज के प्रांगण से बुद्ध से कबीर तक यात्रा का किया गया शुभारंभ। ट्रस्ट के संस्थापक गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर वी के मल ने कहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में आपसी भाईचारा बनाए रखने का दिया गया संदेश। अपहरण व चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त रविंद्र निषाद को कोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपहर्ता को सकुशल किया बरामद, भेजा जेल। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री एवं रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सपाइयों ने हवन पूजन कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके दी उन्हें श्रद्धांजलि, लिया उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। गैंगस्टर एक्ट का वांछित एक अभियुक्त सनी चौहान को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग के तत्वावधान में आपदा प्रबंधन के मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। नागरिक सुरक्षा कोर के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, मॉक ड्रिल कर छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा, आग, हवाई हमले से बचाव व रेस्क्यू के संबंध में विस्तार पूर्वक दी गई जानकारी।